जिला कांगड़ा में सियासी तापमान चढ़ गया है। बीजेपी नेता ने हिमाचल सरकार के एक मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले का खुलासा होने के बाद कांगड़ा की सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया है। बीजेपी नेता रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, धोखाधड़ी के खिलाफ है, मेरी लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई है। बीजेपी नेता रणवीर सिंह ने कहा कि वन मंत्री राकेश पठानिया के बेटे ने कई बैंकों के साथ फ्रॉड किया है। उनका आरोप है कि मंत्री के बेटे ने नियमों को दरकिनार कर एक ही गाड़ी के नाम पर बैंकों से लोन लिया है। उन्होंने साक्ष्य के तौर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसका पंजीकरण नंबर HP38G3688 के कागजात दिखाते हुए कहा कि ये गाड़ी 3 अप्रैल 2021 को कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक नूरपुर ब्रांच से भवानी सिंह के नाम पर 13,50,000 रुपए में फाइनेंस की गई, जिसका पंजीकरण 10 अप्रैल 2021 को SDM नूरपुर कार्यालय में किया गया। इसके उपरांत यही गाड़ी 2-3 माह के बाद भास्कर सिंह को बेच दी गई, जबकि फाइनेंस की रकम अदा करना भी बाकी थी। उन्होंने सीएम से इस मामले में जांच की मांग की है। कुछ सत्ता के संरक्षण में अपने मंत्री के बेटे जो ऐसा कार्य कर रहे हैं उसको उजागर करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। एक गाड़ी को दो दो जगह पर फाइनेंस किया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सत्ता जब मिलती है, पावर जब मिलती है, उसका मिसयूज़ करना चाहिए या लोगों का काम करना चाहिए? जो सत्ता जिनको प्राप्त है, सत्ता के संरक्षण में एक गाड़ी इतनी आसानी से दो जगह कैसे फाइनेंस हो गई? अगर गलत है तो मैं उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर आरोप है तो ये भी अपनी सजा के लिए तैयार रहें। एक गाड़ी दो मालिक बन गए, दो ब्रांचों में वो गाड़ी फाइनेंस होगी, जबकि एक गाड़ी है, एक बैंक में वो फाइनेंस होनी चाहिए थी। या तो रख साया अभिमान, या तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।